जेल प्रशासन की अनूठी पहल, बंदियों को दी जा रही रोजगार परक ट्रेनिंग। जेल में सजा काटने के बाद रिहा हुए बंदी दोबारा अपराध की दुनिया में कदम न करें, इसके लिए कौशाम्बी कारागार प्रशासन ने अनूठी पहल की है। कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेल में सब्जी नर्सरी के साथ आधुनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वो जेल से रिहा होने के बाद खुद को आत्मनिर्भर बनाते हुए दूसरों को भी हुनरमंद बना सके। इसके लिए बंदियों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कौशाम्बी जेल बंदियों के द्वारा बनाए गए काओ कोर्ट की सराहना की थी। ट्रेनिंग बंदियों को कारागार में, जिला कारागार में 10 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसको सब्जी के बारे में, नर्सरी के बारे में और खेती प्रबंधन के बारे में 10 दिन का प्रशिक्षण देकर के इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ये बंदी प्रशिक्षण प्राप्त कर घर जा कर के ये सब्जी की खेती, नर्सरी और आपका खेती का प्रबंधन करके अपने पैरों पर खड़ा हो सके और रोजगार से संबंध हो। क्योंकि भारत सरकार की योजना है कि 2022 तक इनको आत्मस्वावलंबी बनाना है, इसी परिप्रेक्ष्य में ये 10 दिन का प्रशिक्षण दे करके इनको 10वें दिन वैल्यूएशन होगा। वैल्यूएशन के बाद इनको सर्टिफिकेट दी जाएगी, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से ये बैंक से रोजगार करने के लिए या रोजगार सृजन के लिए बैंक से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। सर्टिफिकेट अगर दिखा देंगे तो इससे एक सुविधा ये होगी कि कम से कम इनको बैंक से फाइनेंस हो जाएगा, ताकि पैसों की दिक्कत ना हो और ये एक रोजगार सृजन करके अपने को स्वावलंबी बन सकें और स्वच्छ जीवन बिता सकें। आपका नाम? मेरा नाम आत्माराम गिरी। बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कारागार में 10 दिवसीय खेती सब्जी नर्सरी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसे बड़ौदा स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि बंदी जब भी कारागार से बाहर जाएं, तो आत्मनिर्भर होकर के जाएं और अपना कोई भी काम कर सकें, जिससे अपराध की दुनिया से वो दूर रह सकें। धन्यवाद।